अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर SSLC मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, जो कि 2021-22 के लिए है। यानी ये जो है क्वेश्चन पेपर या सवालिया पर्चा MCQ बेस्ड है। ओके, तो 40 मार्क्स का पर्चा, इसमें जो है पार्ट ए फिजिक्स, इसमें पहला सवाल दिया गया है, मुजमर फर्क की एसआई इकाई है, मुजमर फर्क की एसआई इकाई कौन सी है? ओल्ट, राइट? ओके, ओम नहीं है, एम्पियर नहीं है, कूलम भी नहीं है, ये बरकी चार्ज और बरकी करंट, बरकी चार्ज वगैरह की एसआई इकाई है। तो हमारा सही जवाब है ओल्ट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, सोलेनॉइड के अंदर मकनातीसी मैदानी खतूत मतवाजी सीधी लाइनों में होते हैं। इससे मालूम होता है कि सोलेनॉइड के अंदर सभी नुक्तों पर मकनातीसी मैदान कैसा होता है? शदीद होता है, बराबर होता है, सिफर होता है, बराबर नहीं होता। तो सीधी मतवाजी लाइनें होती हैं, तो मतलब क्या होता है इसका कि ये बराबर होता है, राइट? ओके, शदीद नहीं होता, सिफर भी नहीं होता, और बराबर नहीं होता ये भी नहीं है, बल्कि बराबर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, नूरी मरकज और लेंस के दरमियान, लेंस के प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का फासला क्या कहलाता है? लेंस के नूरी मरकज और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का फासला कहलाता है फोकल लंबाई। नेक्स्ट, 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट मुजमर फर्क वाले दो नुकतों के आर पार हरकत कराने में किया गया काम कितना होगा? तो काम यानी W मालूम करना है। दो क्या दिया गया है हमको यहाँ पर? V मुजमर फर्क दिया गया है 12 वोल्ट, और जो है चार्ज दिया गया है, चार्ज यानी Q और V मुजमर फर्क यानी V ज़रब Q लेना है हमने। तो V ज़रब Q मतलब 12 टूजा कितना आता है? 24 जूल। ओके, वर्क जो है जूल में आता है ना काम, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकर लेंस से बनने वाली छबिया की नुकियत, मुकर लेंस से हमेशा छबिया कैसी बनती है? मजाजी और सीधी छबिया बनती है, याद रखिए। वो मुहद्दब लेंस है जहाँ पर छबिया जो है अलग अलग तरीके से बनते हैं, हकीकी उल्टे, हकीकी सीधी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मुकर लेंस है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जो टेबल मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, रोशनी का इनकास का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि क्या इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुकर लेंस से बनने वाली छबिया मजाजी और सीधी होती है हमेशा। नेक्स्ट, जेल में बरकी सेल के अलामत, बरकी सेल के अलामत कौन सी है? ये तो नहीं है, ये खुला हुआ स्विच, ये बंद स्विच, बरकी सेल। ओके, ये स्विच का जोड़, ओके, तारों का जोड़। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, जेल में कौन किसी लंबी सीधी तार के करीब मकनातीसी मैदान की सही वजाहत करता है? मैदानी खतूत जो तार के उमूदी होते हैं, मैदानी खतूत जो तार के मुतवाजी होते हैं, ये नहीं, ये भी नहीं। मकनातीसी मैदान के हम मरकज़ खतूत, सॉरी, मकनातीसी मैदान के हम मरकज़ खतूत का मरकज़ तार होता है। जो हम मरकज़ खतूत होते हैं उसका मरकज़ क्या होता है? तार होता है, ये सही है। ओके, फिर भी हम ऑप्शन डी देख लेते हैं। तार से नमूदार होने वाले खतूत महवरी होते हैं, तार से नमूदार होने वाले खतूत महवरी होते हैं। तो ज़रूर आगे जाकर वो जो है क्या कह सकते हैं, एक पूरी बिल्कुल पूरी तरह से महवरी नहीं होते, लेकिन इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। न्यूक्लियाई रिएक्टर में तवानाई का जरिया है न्यूक्लियाई इंशिकाक। ओके, न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, कौन सा बयान मकनातीसी खतूत के लिए दुरुस्त नहीं है? तो हम मकनातीसी खतूत के खसूसियात हम जानते हैं, है ना, तो ये दुरुस्त नहीं है पूछा गया है ना। तो मकनातीसी मैदान खतूत के खसूसियात में क्या है? ये बंद मनहानी होते हैं, सही है। ये खतूत जो है दरमियान में ज़्यादा घने होते हैं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा ना। तो मकनातीसी मैदान खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते, ये भी सही है,
मकनातीसी खतूत के लिए, और मकनातीसी मैदान खतूत शुमाली कुतुब से निकलकर जुनूबी कुतुब पर ख़त्म होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा बयान गलत है? कि ऑप्शन बी जो कि दिया गया है कि मकनातीस के दरमियान ज़्यादा घने होते हैं, नहीं होते ना। अगर हमारे पास एक मकनातीस है तो ये दरमियान में ज़्यादा घने नहीं होते, बल्कि यहाँ पर जो कुतबेन में जो है ज़्यादा घने होते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जेवरात पर लिखे हॉलमार्क 915 पढ़ने के लिए तकबीरी लेंस में इस्तेमाल होने वाले मुहद्दब लेंस की मुनासिब फोकल लंबाई 12 सेंटीमीटर। बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बरकी मुजाहिमत पर असर अंदाज होने वाले उमूर। तो बरकी मुजाहिमत का जो है मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है बरकी मुजाहिमत? मौसल की लंबाई पर, राइट, मौसल के क्रॉस सेक्शन रकबे पर, मौसल के मादे की नौयत पर। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिन पर जो है तीनों अवामिल है जिस पर बरकी मुजाहिमत असरंदाज होती है। तो ये तीनों उमूर सही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, हिंदुस्तान में एसी अल्टरनेट करंट अपनी सिमत हर 1/100 सेकेंड में तब्दील करता है। इसका मतलब यह है कि एसी की सुरत होती है, यह आपके बुक में भी दिया गया है, एसी की सुरत कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ओके, तो ओम के कानून के लिए सही मसावात है वी बराबर आई आर, यही सही है ना। V बराबर I बटा R, V बराबर I माइनस R, I² - R, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए ऑप्शन हैं। आपको सही मसावात याद रखनी है और सही मसावात पर भी आपकी जो है नज़रें जानी है, आपका जो है पेंसिल पेन उधर ही जाना है मार्क करने के लिए, और क्वेश्चन पेपर में आपने मार्क नहीं करना, याद रखिए। आप आंसर शीट पर थोड़ा सा टिक डाल के रख सकते हो, बाद में जब आपको मालूम होता है ना ये आंसर बिल्कुल सही है तो आप उसको डार्क शेड कर सकते हो OMR में। ओके, वो भी ब्लू या ब्लैक इंक पेन से नहीं बल्कि बॉल पेन से। ओके, जेल पेन से नहीं, बॉल पेन से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, बर्की मोटर में एक आला जो सर्किट में करंट के बहाव की सिमत तब्दील करता है। तो करंट के बहाव की सिमत तब्दील करना वाला आला है कम्यूटेटर। घरेलू बरकी सर्किट में बरकी आलात को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? बरकी आलात को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना नहीं होता, 880 वाट, ये सब जो है वैट और पावर जो भी रीडिंग्स जो भी दिए गए हैं उनको हम उतना कंसिडर नहीं करेंगे। आप देखेंगे सिलसिलावार तरतीब नहीं, हमारी मुतवाजी तरतीब है ना, तो मुतवाजी से रिलेटेड ऑप्शन है यह हमारा ऑप्शन सी, फ्यूज़ को बरकी आलात के साथ मुतवाजी तरतीब में जोड़ना घरेलू बरकी सर्किट में जो है बरकी आलात को सही इस्तेमाल करने का तरीका, यानी ऑप्शन सी। तो ये 15 क्वेश्चंस पार्ट ए फिज़िक्स से हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट बी केमिस्ट्री, यहाँ से जो है आपको 16 से 29 तक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 15 नेक्स्ट, ओके 14 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 16 क्वेश्चन नंबर, तेजाब प्लस धात से बनते हैं डैश प्लस नमक, खाना पूरी करें। ओके, तो तेजाब और धात मिलकर क्या बनते हैं, क्या और नमक बनता है, हमको ये मालूम होना है। हम इसमें पढ़ चुके हैं तेजाब असास नमक में, तो तेजाब और असास धात मिलकर बनता है हाइड्रोजन प्लस नमक, राइट। ओके, नमक प्लस हाइड्रोजन, ऐसे भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोकार्बन जो जमी तामुल में हिस्सा लेते हैं, तो हाइड्रोकार्बन वो जमी तामुल में हिस्सा लेते हैं जो सेरशुदा होते हैं, राइट, जो सेरशुदा नहीं होते, सॉरी, जो गैर सेरशुदा होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो भी दिए गए हैं हमने क्या करना है, इनको हमारे पास जो हमारा जनरल फॉर्मूला है CNH2N
प्लस टू जो कि शेरशुदा हाइड्रोकार्बन का है यानी अल्केन का है, तो इसको जो है हमने देखना है कि यहाँ कहाँ पर आता है। ओके, तो सी एन, ओके सी टू एच टू टू द फोर प्लस टू, नेक्स्ट सी थ्री एच थ्री टू द सिक्स प्लस टू, ये भी नहीं है, ये सारे जो है शेरशुदा हाइड्रोकार्बन है, राइट। सी वन वन टू द वन वन जा सॉरी वन टू द टू प्लस टू फोर, ये भी शेरशुदा है। तो गैर शेरशुदा यहाँ पर ये आता है, देखें सी थ्री है ना, थ्री टू जा सिक्स, तो सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन इस फॉर्मूले पर आता है ये। तो ये हमारा गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन है यानी ये है अल्कीन है, तो इस वजह से हाइड्रोजन कार्बन जो जमी तामल में चलते हैं वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, सिलिकॉन एक क्या है, धात है, गैर धात है, राइट। तो इसको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जदीद दूरी जदूल में बाएं से दाएं जानिब जाने पर एटमी कुतर घटता है। जदीद दूरी जदूल में बाएं से दाएं जानिब जाने पर एटमी कुतर क्या है, घटता चला जाता है। इसकी वजह क्या है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा, न्यूक्लियर चार्ज में कमी, न्यूक्लियर चार्ज में कोई तब्दीली नहीं, या फिर ए और बी दोनों। तो जैसे जैसे हम जदीद दूरी जदूल में बाएं से दाएं जानिब बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जाता है। ओके, ये हमने याद रख लेना है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए ही है। ओके, नेक्स्ट, और न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से ही एटमी कुदर कम होता जाता है, न्यूक्लियस की अपनी तरफ खींचता जाता है ना एटमों को, इस वजह से। तो नेक्स्ट जो है, जब सोडियम क्लोराइड के ब्राइन महलूल से बिजली गुजारी जाती है तो तहलील होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह अमल कहलाता है तादीली तामुल, क्रिस्टलाइजेशन, क्लोरोअल्कली या फिर क्लोरीनेशन। तो क्लोरीन क्या है, सोडियम क्लोराइड के ब्राइन महलूल से बिजली गुजारा जाना और तहलील होकर सोडियम और हाइड्रोक्साइड बनना, ये क्लोरोअल्कली अमल कहलाता है। नेक्स्ट जो है, तेजाबी बारिश का पीएच पूछा गया है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा सवाल है। तो तेजाबी बारिश का पीएच है 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्कूल की घंटियां, वायलिन और सितार के तारों को बनाने में जो धात की खसूसियत इस्तेमाल होती है उसमें पाई जाने वाली खसूसियत कौन सी है, मतलब ये कि इन चीज़ों को बनाने में धात की कौन सी खसूसियत को सामने रखकर, कौन से खसूसियत के उसूल पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुसव्वित, वर्क पजेरी, तार पजेरी, इसालियत। तो यहाँ पर ये जो है, स्कूल की घंटियाँ आवाज़ की वजह बनती है, वायलिन और सितार के तार भी आवाज़ की वजह बनते हैं, तो ये तीन खसूसियात जो है आवाज़ की वजह नहीं बनते। तो आवाज़ यानी सौत, मुसव्वित, ओके, मुसव्वित, धातुओं के मुसव्वित होने की वजह से उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कार्बोनेट की कच धातुओं में को ऑक्साइड में बदलने के लिए कम हवा में काफ़ी गर्म किया जाता है, इसको कहते हैं तकलीस। तो कार्बोनेट की कच धात और ऑक्साइड में बदलने की बात आई और कम हवा की बात आई, तो ये तकलीस ही होता है। ओके, नेक्स्ट, दो या दो से ज़्यादा धातुओं या एक धात और दूसरे गैर धात का मुतजानिस आमीजा कहलाता है भरत। ओके, नेक्स्ट, इस कार्बन मुरक्कब का नाम बताइए, यहाँ पर दिया गया है, एक शक्ल दी गई है यहाँ पर एक, ओके, सी एच ओ हम कह सकते हैं। तो सी एच ओ किसके लिए आता है, अल्डिहाइड के लिए ना, अल्डिहाइड यहाँ पर कौन सा है, और ये मिथनॉल, ओके, मिथनॉल है। नेक्स्ट, वो आंसर जिनकी कीमियाई खसूसियात यकसां होती है लेकिन उनकी एटमिक कमियतें मुख्तलिफ होती हैं, ये तुम 8, 9 और 10th में भी से वही चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। तो ये आइसोटोप है जिसकी कीमियाई खसूसियात यकसां होती हैं लेकिन एटमिक कमियतें मुख्तलिफ होती हैं। नेक्स्ट, एटम के न्यूक्लियस के मरकज और सबसे बाहरी खोल का फासला कहलाता है एटमी निस्ब कुतर। साबुन के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सिले से जो साख्त बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मिसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अनासिर जो बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो हमको जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक तकसीम याद रखनी है। ओके,
अगर हम हीलियम का अगर हम सोचेंगे तो इसका तो सिर्फ दो है, बाहर खोल में कुछ नहीं आता, तो ये नहीं आता है ना। तो लिथियम 3 होता है ना, तो 2.1 यहाँ आता है। सोडियम 11, 2.8.1, पोटेशियम 2.8.1, ओके 19 आता है, सॉरी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्टी से 40 तक जो 11 क्वेश्चन हैं वो बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्ट सी बायोलॉजी, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 है, गुर्दों की साख्ते और फेलियर का। ये सवाल तो तकरीबन हर पेपर में हमको नज़र आता है और इसका जवाब है नेफ्रॉन, ओके। गुर्दों की साख्ती और फैलिए का है। पौधे के हवाई हिस्सों से भाप की शक्ल में पानी का ज़ाया होना कहलाता है अम्ल सुरियन। ये सवाल भी तकरीबन हर पेपर में हमको नज़र आता है, और इवन ये सवाल भी, दिमाग का वो हिस्सा जो इख्तियारी कामों की दुरुस्तगी और जिस्म के तवाजुन को बरकरार रखता है, सेरेबलम। पौधों में नमू को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो ये चारों सवाल जो यहाँ पर आए हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि तकरीबन हर दूसरे पेपर में हमको ये सवाल नज़र आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डायबिटीज के इलाज के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन प्रोटीन इंसुलिन एड्रेनलिन पेंसिलिन। तो डायबिटीज होता ही है इंसुलिन की कमी से, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म पौधों में तौलीदी आज़ू, ओके। तो एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में ही और उसकी तौलीद के बारे में ही तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, उससे पहले आप बाकी पौधों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पौधों का तौलीदी आज़ू यानी एंजियोस्पर्म पौधों का तौलीदी आज़ू कौन सा है, जड़ तना पत्ता और फूल में से फूल। ज़ेल में से कौन मादा तौलीदी निज़ाम का हिस्सा नहीं है, बेजदान रहम वास डिफरेंस। तो ऑप्शन ए बेजदान, ये मादा तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है, रहम भी मादा तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है, फेलोपियन ट्यूब भी मादा तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि मादा तौलीदी निज़ाम का हिस्सा नहीं है, जो कि नर तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है, व्हाट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के एक तजुर्बे में बैगनी यानी वॉयलेट फूल वाले लंबे मटर के पौधों के अफजाइशन सेल सफ़ेद यानी वाइट फूलों वाले बोने पौधे मटर के पौधे के साथ की गई। पैदा होने वाले पौधों में सभी फूल बैगनी थे, मगर उनमें से तकरीबन आधे पौधे बोने थे। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि लंबे पौधे की जीनियाई साख्त क्या है। तो लंबे पौधे की जीनियाई साख्त क्या होगी, कैपिटल टी नहीं हो सकता, क्योंकि आधे पौधे क्या हैं, बोने थे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ऑप्शन हम देखेंगे, ये और ये, ओके। लेकिन सारे फूल जो है बैगनी थे, तो बैगनी के लिए कैपिटल W लिया गया है ना, तो ये स्मॉल W वाला जो कि वाइट के लिए है, ये हम नहीं लेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। बुने पौधे भी पाए जाते हैं, लेकिन फूल सारे बैगनी थे, ओके। नेक्स्ट, हम तरकीब आज़ू की एक मिसाल, हमारे पैर और कुत्ते के अगले पैर दोनों जो है हम तरकीब यानी जिसकी साख्त बुनियादी साख्त एक जैसी हो और जो मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किए गए हो। तो हमारे बाजू और कुत्ते के अगले पैर बुनियादी साख्त एक जैसी, हमारे दांत और हाथी के लंबे दांत ये भी बुनियादी साख्त एक जैसी, आलू और घास की बेलें ये भी जो है बुनियादी साख्त एक जैसी। तो हमारा जो है ऑप्शन, हम तरकीब आज़ू की एक मिसाल पूछा गया है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, ओजोन परत की तश्कील की वजह बनने वाली गैस, ओके। तो तश्कील की वजह बनने वाली गैस इनमें से कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, इस्तेमाल शुदा अशिया को उनकी जसामत और बनावट को तब्दील किए बगैर दोबारा इस्तेमाल करना, मकसद नो भी कहलाता है उसको, ओके। तो इस्तेमाल की गई अशिया को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन बनावट और जसामत कुछ भी किए बगैर इस्तेमाल करना, तो उसको हम कहते हैं मकसद नो, ओके।
तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस का जो है मॉडल पेपर 2 हल शुदा आपके लिए। इंशाल्लाह अगर और भी पेपर मिले तो आपके लिए मैं हल करके पोस्ट करूंगी वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल अगले वीडियोस के लिए। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।